देख रहे हैं हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया, आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है, वो उनका अधिकार उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद अपने लाभ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है, जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे, उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वाष्प में परिवर्तित भी कर देती। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जल धारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसकी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठेंगे।